मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रूज फ्रॉम अपाइसा डिपार्टमेंट वर्किंग इन आरपीआईटी कॉलेज का पचकनाल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद हमने डिस्कस करा था डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिस्कस करा था। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरे पास क्या था, मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास गिवन होगी, है ना, ये मेरे पास इस टाइप की मेरे पास क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास गिवन होगी, और इसको हम एग्जैक्ट कब बोलेंगे, जब मेरे पास ये कर्ल एम बाई कर्ल वाई इजिकल टू कर्ल एन बाई कर्ल एक्स मेरे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इक्वल आने के बाद उस इस इक्वेशन को या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो उसका जो सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मेरे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू सी, ये मेरे पास क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड एग्जांपल देखो क्या है, फोर्थ एग्जांपल आज हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ एग्जांपल देखो क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स की फोर माइनस टू एक्स y का स्क्वायर प्लस y की 4 विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 4xy की क्यूब प्लस साइन y विद रिस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही है मेरे पास, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ हम उसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो इससे इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू आएगी, m की वैल्यू क्या है, x की 4 माइनस 2xy का स्क्वायर प्लस वाई की 4, और एन की वैल्यू जो आएगी माइनस ऑफ, देखो यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस ऑफ 2x स्क्वायर वाई माइनस 4xy क्यूब प्लस साइन वाई। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे कर्ल m बाय कर्ल y, क्या है कर्ल m बाय कर्ल y का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा, दिस इज मेरे पास क्या आएगा कॉन्स्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरे पास जीरो होता है। y के रिस्पेक्ट में कर रहे तो सबसे पहले इस y को होगा, y को स्क्वायर, ये दिस टर्म इज मेरे पास कांस्टेंट 2x, तो y का स्क्वायर का हम जब डेरिवेटिव करें तो पावर आगे आएगी, वही पावर पावर में से एक कम हो जाएगी, तो 4xy आ जाएगा प्लस इसमें से बिल्कुल सेम है, वही पावर आगे आएगी 4y के क्या आएगा क्यूब आएगा। कर्ल m बाय कर्ल x निकालेंगे, माइनस बाहर है, सबसे पहले क्या है विद रिस्पेक्ट x करें तो पावर आगे आएगी, वही पावर पावर में से एक कम हो जाएगी, माइनस वही पावर पावर आगे आएगी, देखो मेरे पास x का, देखो x का मेरे पास क्या है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x क्या आएगा 1 आएगा, तो सिर्फ क्या रहेगा माइनस 4x³ प्लस, और ये मेरे पास क्या कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव मेरे पास जीरो होता है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कर्ल एम बाय कर्ल वाई और कर्ल एन बाय कर्ल एक्स, तो दोनों आगे, तो दोनों देखो इसके अंदर मेरे पास क्या, दोनों माइनस 4xy प्लस 4y क्यूब और कर्ल एन बाय कर्ल एक्स इजिकल टू 4xy प्लस 4y क्यूब, तो इसके अंदर मेरे पास क्या, दोनों क्या है सेम आ रहे, तो इक्वल आ रहे, तो इक्वल आने से मेरे पास हमें पता है, अगर इक्वल है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी हमने पता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वही वाई मेरे पास कांस्टेंट होगा एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू सी, ये मेरे पास इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा, ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ गए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन देखो वैल्यू पुट करी, एम की वैल्यू पुट करी और एन की वो वैल्यू पुट करनी है जिसके अंदर मेरे पास क्या है एक्स नहीं है, तो सिर्फ क्या है साइन वाई, तो इसका विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करें तो वही पावर में सिर्फ एक ऐड हो जाएगी, वही पावर नीचे आ जाएगी माइनस विद इसमें भी क्या है 2x का स्क्वायर वाई बाय वाई और वाई का स्क्वायर पहले एच डी माइनस, इसके साथ देखो मेरे पास ये है मेरे पास कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट के साथ क्या लग जाता है, सिर्फ क्या लग जाएगा एक्स लग जाएगा प्लस, ये माइनस है तो माइनस वाई, देखो जब इसका इंटीग्रेशन, देखो ये माइनस वाई है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना साइन वाई का मेरे पास क्या होगा कोस वाई इजिकल माइनस कोस वाई इजिकल टू सी, इसको सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो क्या होगा उसका सॉल्यूशन आएगा। थैंक यू।